अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक शेख साइंस चैनल। वी आर अनदर वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, फिल्मोरा ट्यूटोरियल हमारा जारी है। प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था कि फिल्मोरा में वीडियो पर वाटरमार्क को रिमूव कैसे कर सकते हैं, और उससे प्रीवियस हमने सीखा था कि ट्रांजिशन को ऐड कैसे कर सकते हैं वीडियो में, और उससे पहले हमने हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट सेटिंग के बारे में सीखा, फिल्मोरा प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में सीखा। अगर आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए शेख साइंस, और मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें ताकि आपको फिल्मोरा ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस तरह आप अच्छा एडिटर बन सकते हैं, वीडियो एडिटर बन सकते हैं। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि वीडियो को स्टेबलाइज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे आप कोई व्लॉग बना रहे हैं या फिर सफ़र में आप कोई वीडियो बनाते हैं, वो ज़रा शेकी वीडियो होती है, उसको स्टेबलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टेबलाइज़ वीडियो इन फिल्मोरा। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिल्मोरा को ओपन करते हैं और वहाँ पर इसको देखते हैं। तो फिल्मोरा ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ से आपने इंपोर्ट कोई भी फाइल कर लेनी है आपने, अगर जो कि शेकी फाइल हो, तो यहाँ से आप कोई भी अपने जो मेमोरी होगी, आपका डेस्कटॉप होगा, कोई भी आपने जहाँ पे कोई फाइल रखी होगी शेकी वीडियो, वहाँ से आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है इधर। और मैंने एक ये वीडियो ली है, तो ये मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ चला के, तो इसका आप प्रीव्यू देखिएगा। तो ये देखें, ये ज़रा थोड़ी सी शेकी वीडियो हिल रही है थोड़ी सी, तो इसको हमने स्टेबलाइज़ कैसे करना है। सिंपली आपने जाना है वीडियो पर, इस पर डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक, और आपके सामने जो है ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे वीडियो के, ट्रांसफॉर्म, कंपोजिटिंग, मोशन ट्रैकिंग, स्टेबलाइजेशन। हमने जो करना है वो स्टेबल करना है वीडियो को, तो ये स्टेबलाइजेशन पे आपने क्लिक कर दिया। ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ये 1 से 100 तक काउंटिंग चलती रहेगी परसेंटेज की, ये आपकी वीडियो को स्टेबलाइज़ कर रहा है, और जब तक ये 100% ना हो आपने इसको बंद नहीं करना, क्लोज नहीं करना, और थोड़ा सा वक्त लगेगा, वीडियो स्टेबलाइज हो जाएगी। अभी हम देखते हैं, ये तकरीबन होने वाली है, 20% रह गई है। तो इस तरह से आप वीडियो को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। याद रखें, जितनी बड़ी फाइल होगी MBs में, गीगाबाइट्स में, तो उतना ही टाइम लगेगा, तो इसको ज़रूर ज़ेहन में रखिएगा। और स्मूथ लेवल आप यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देता हूँ, और इसका आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं इसको चलाता हूँ, प्ले करता हूँ, तो ये देखें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये Adobe Premiere से बेहतर तो नहीं है, लेकिन इससे आपका गुजारा हो जाएगा, वीडियो थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। और आपको मैं इससे अगली दिखाता हूँ, पहले वाली दिखाता हूँ कि वीडियो कैसी थी और अब किस तरह की है। तो ये स्टेबलाइज वीडियो है और अगली अनस्टेबलाइज है, और ये देखें ये अनस्टेबलाइज है। तो इस तरह से आप वीडियो को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। मैं एक और भी वीडियो आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही तरह से मालूम हो जाए। तो जी, ये एक वीडियो मैं ओपन करता हूँ, शॉर्ट वीडियो के ले लेते हैं हम, जिसको हम ओपन करते हैं ताकि हमारा वक्त ना ज़ाया हो। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये देखें, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, चलाता हूँ, प्ले करता हूँ। अच्छा, ये तो पहले वाली वीडियोज़ आ गई, मैं यहाँ से तो ये जैसा कि आपने देखा, ये शेकी वीडियो थी, तो इसको आपने सिंपली डबल क्लिक करना है राइट और स्टेबलाइजेशन पे क्लिक करके, और देखें वीडियो स्टेबलाइज हो रही है।
फिर हम इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो ये देखें जी, स्टेबलाइज हो रही है, 100% होगी तो ये वीडियो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देख लिया, वीडियो स्टेबलाइज हो गई है, तो इसको हम सिंपली प्ले करेंगे। काफ़ी हद तक आपने देखा होगा वीडियो स्टेबलाइज हो गई है। तो ये आपने स्टेबलाइज वीडियो देख लिया, वो अनस्टेबलाइज आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये हमने फाइल चूज करके ओपन की थी, तो ये अनस्टेबलाइज आप वीडियो, ये आप जो पहली वीडियो देखेंगे, और ये आप तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखें, कीप सपोर्टिंग गाइस, चैनल को सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।